यूपी पुलिस को हरदोई के एसपी से सीखना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है। आप लोग को कोई सिक्योरिटी वाले इनके साथ कुछ हो जाए, नहीं इनको भेजते हैं, आज क्या हो गया फिर? हरदोई के एसपी ने सोमवार की रात 11 बजे भ्रमण पर थे कि एक लड़की अकेली सुनसान जगह पर पैदल जाती हुई दिखी। एसपी तत्काल अपनी गाड़ी रुकवा कर नीचे उतरे और लड़की से इतनी रात को अकेले पैदल जाने का कारण पूछा। लड़की द्वारा अवगत कराया गया कि वह शहर के एक होटल में नौकरी करती है और वह घर वापस जा रही थी। तत्पश्चात एसपी उस लड़की के साथ पोर्स लेकर उक्त होटल पर गए और होटल प्रबंधन से कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि रात में आपका जो भी महिला स्टाफ घर जाएगा उसके साथ गाड़ी समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी होगी और चेतावनी भी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाई गई तो होटल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे आपके बारे में शादी में आऊंगा तो और लेट हो जाएगा तो और देर से जाएंगे। क्या देर मैं लिख पढ़ के चिट्ठी भेज रहा हूँ पत्र में आपको मालिक से बात सारे सारे बैंकुएट हॉल और मालिकों को बुलाऊंगा और ये इंश्योर करना आप तरीका अभी आप गाड़ी का इंतजार करिए भैया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम नारायण त्रिवेदी, हरदोई, आरएम न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।